हेलो दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं ये है मारुति सुजुकी की सिलेरियो जो कि VXI CNG वेरिएंट है। आप मिरर के ऊपर भी देख रहे हो कि CNG की बैजिंग है। तो आज जो हम बात करेंगे इसके अंदर, ये जो है लिमिटेड एडिशन है। साइड के अंदर मैं आपको जो है बैजिंग भी दिखा देता हूँ जिस कंपनी ने लिमिटेड एडिशन बनाया है। तो आप देखते हैं अलूरा लिमिटेड एडिशन। तो आज कार को जो है पूरा कवर करने वाले हैं, जैसे कि इसके अंदर जो जो एसेसरीज लगाई गई है कार के अंदर, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं अलॉय व्हील्स, डोर वाइजर, ग्राफिक्स, मतलब कार को जो है पूरा कवर करने वाले हैं। और जो इनके अमाउंट मिलता है, मतलब प्राइजेज है, वो भी हम पूरा वीडियो के अंदर आज दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं जिसके अंदर 75,145 रुपये की पूरी एसेसरीज के अंदर लगाई गई है। तो चलो वीडियो को ज़्यादा ना लंबी करते हो, पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर रहे हैं पहले इसके अंदर फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक के अंदर वैसे आपको दिख रहा हो कोई एसेसरीज के अंदर नहीं लगाई गई है। हेडलाइट्स पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब भी है येलो बल्ब के साथ। यहाँ इसका टर्न इंडिकेटर है। ये कुछ इसकी ग्रिल मिल जाती है, यहाँ आपको जो क्रोम की स्ट्राइप दो मिल जाएगी। अगर आप इसका टॉप मॉडल भी लेते हैं तो सेमी ग्रिल आपको मिल जाती है। बम्पर्स के अगर अंदर हम देखते हैं तो फोग लैंप्स की हाउसिंग मिल जाएगी। फोग लैंप्स अगर आपको चाहिए तो एसेसरीज के अंदर ऐड करा के ले सकते हैं। पूरा फ्रंट लुक तो कुछ ऐसा आपको इसका दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो इसके अंदर लगाई गई है। साइड प्रोफाइल में पहले मैं जो आपको इसके टायर्स दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। अगर इसका प्राइस जो है, जितनी भी मैं चीज़ आज आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊँगा तो उनका प्राइस आपको जो है स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो पहले मैं आपको इसका टायर साइज बता देता हूँ, जो कि 165/70/14, मतलब जो आपको अलॉय व्हील्स के अंदर मिल रहे हैं 14 इंच के आपको चारों मिल जाएंगे। और साइड प्रोफाइल के अंदर हम देखते हैं तो आपको ये ORVN कार कलर है, या आपको डोर वाइजर भी ऊपर दिख जाएंगे क्रोम इंसर्ट के साथ। टोर हैंडल आप देख सकते हैं जो कि बॉडी कलर डी है। यहाँ आपको जो है अलूरा की ग्राफिक्स मिल जाती है। डोर माउंटिंग भी आप जो देख सकते हैं ऐसे में मिलती है ग्लोसी मैट फिनिशिंग में। यहाँ जो आप क्रोम की इंसर्ट भी देख सकते हैं। ये तो पूरा ऐसा कुछ इसका साइड लुक आप देख सकते हैं। अब जो हम कार के रियर साइड चल लेते हैं, तो रियर साइड में पहले मैं आपको पूरा इसका रियर लुक दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ इसका रियर लुक है। अब जो मैं आपको इसकी एसेसरीज बता देता हूँ जो कि लिमिटेड एडिशन है, क्या क्या इसके अंदर फिक्स की गई है। पहले आप जो कि फायर रेड कलर के अंदर स्पॉइलर देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। रियर मिरर के अंदर CNG की बैजिंग है। यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफोकस के अंदर नहीं मिलेगा। बूट के ऊपर भी आप जो देख सकते हैं क्रोम गार्निश का यहाँ एसेसरीज आपको दिख जाएगी। यहाँ जो आपकी स्लेरियो की बैजिंग है, यह आपको सुजुकी की बैजिंग है। और ये आपका पीछे बूट का जो हैंडल देखते हैं तो ये बॉडी कलर्ड है, यह आपको की सेट मिल जाएगा। बम्पर से अगर अंदर देखते हैं तो पहले आपको यहाँ दो रिफ्लेक्टर्स देख सकते हैं, दो ही पीछे मिल जाते हैं। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, यहाँ जो आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यहाँ लगती है। तो पीछे तो बस यही आपको जो है स्पॉइलर और या क्रोम गार्निश, बस यही इसके अंदर जो है फिक्स किए गए हैं एसेसरीज के अंदर। अब जो हम बात करते हैं कि अंदर जो आपको कितनी चीज़ इसके अंदर लिमिटेड एडिशन में एसेसरीज मिल जाती है। अब जो मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ कि इंटीरियर के अंदर इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज लगाई गई है। पहले डोर हम इसका ओपन कर लेते हैं। अब जो मैं आपको इसका पहले पूरा डोर ट्रिम दिखाता हूँ जो कि ब्लैक कलर के अंदर आपको मिलेगा। पहले यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि डोर ओपन करने का आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिल जाएगा। डोर पाउच अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 1 लीटर बोतल कैपेसिटी, और यहाँ भी आपको जो है स्पेस मिल जाएगा। अब जो हम देखते हैं पहले यहाँ देख सकते हैं आपको देखिए जो कि डोर स्टील गार्ड है, और यहाँ भी आपको जो है स्लेरियो की बैजिंग मिल जाएगी। इसके अंदर फ्लोर मैट इसके अंदर लगाए गए हैं, और यहाँ अगर देखते हैं तो इसके अंदर जो है लिमिटेड एडिशन के सीट कवर्स फिक्स किए गए हैं। सीट्स के अंदर जो आपको मिलेगा सिर्फ फोल्ड का ऑप्शन मिलता है, हेड एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके नीचे अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो सिर्फ आपको पेडल टैंक ओपन करने का मिल जाएगा। यहाँ भी जो आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, या इसके अलार्म का फीचर और पेट्रोल टू CNG का, और ये इसके इलेक्ट्रिकली ORVN एडजस्टमेंट। स्टेयरिंग व्हील आप इसका देख सकते हैं जो कि फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील तो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर ना ही कोई लेदर कवर रैप कुछ किया गया है। यहाँ आपको सुजुकी की बैजिंग है। इसके अंदर फ्रंट में आपको जो है डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, यहाँ एयरबैग मिल जाएगा और एक वहाँ मिल जाएगा। सिंगल मीटर इसके अंदर आपको जो दिख जाएगा। और अगर स्टीरियो कैमरा देखते हैं तो इसके अंदर जो है आपको पायनियर का मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। जो इसके अंदर स्पीकर्स लगाए गए हैं फ्रंट में, जो आपको दोनों डोर्स के अंदर स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं तो इसके अंदर आपको जो है फ्रंट पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाएंगे, ये इसके हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने का, या सेंटर लॉकिंग। मैनुअल AC कंट्रोलिंग आपको यहाँ दिख जाएगी इसके अंदर। नीचे अगर हम देखते हैं तो 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, और इसके नीचे यहाँ आप अपना स्मार्टफोन आसानी से रख सकते हैं। और दो कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, जो कप होल्डर्स हैं वो कूल नहीं है। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 जो है रिवर्स गियर है, ये इसका हैंड ब्रेक। जो पीछे के आपको पावर विंडो मिलते हैं उनका कंट्रोलिंग आपको यहाँ मिलेगी। ग्लो बॉक्स मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ओपन करके। इसके अंदर जो आप अपने आसानी से अपने कार के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं।
एसी वेंट इसके अंदर आप देख सकते हैं जो कि 4 मिल जाता है फ्रंट में आपको। इसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं जो कि सिल्वर फिनिशिंग है, और ये कुछ ऐसे आपको ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं तो इसके यहाँ आपको जो है पूरे यहाँ तक सिल्वर के अंदर ही फिनिशिंग है, और ये भी यहाँ आप देख सकते हैं जो कि छोटा मोटा क्रोम का कुछ फिनिश दे के आपको एसी वेंट के अंदर दे दिया गया है। को पैसेंजर के लिए वहाँ आपको मिल जाएगा। एक रियर व्यू मिरर अगर हम देखते हैं तो आपको कुछ एडजस्टेबल इसका मिल जाता है डे नाइट में। ये इसकी जो है कैबिन लाइट जो कि येलो बल्ब में ही है। सनवाइजर अगर देखते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ टिकट होल्डर मिल जाएगा। लेफ्ट वाला देखें तो पहले आपको यहाँ एयरबैग्स के इंस्ट्रक्शंस, उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ आपको जो है छोटा सा इसका मिरर मिल जाएगा, और यहाँ इसके जो है एयरबैग्स के इंस्ट्रक्शन आपको सेम वही मिल जाते हैं। हैंड रेस्ट भी आप देख सकते हैं फ्रंट के अंदर जो एक ही मिलेगा, ड्राइवर साइड के लिए नहीं मिलता है। पीछे भी दो आपको मिल जाते हैं, वो मैं जाकर एक बार आपको पीछे दिखा देता हूँ। तो ये वाला ड्रॉर हम क्लोज करते हैं, जो है रियर सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रियर डोर डोर ट्रिम एक बार मैं आपको पूरा दिखाता हूँ जो कि ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ जो है फ्रंट के मामले में थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, मीटर बोर्ड कैपेसिटी, और यहाँ छोटा सा स्पेस मिल जाएगा। डोर ओपन करने का वही पीछे भी सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है, और पीछे भी जो आप देख सकते हैं डोर स्टील गाड़ियाँ लगाया गया है, जो स्लेरियो की बैजिंग, और ये भी आप डिजाइनिंग देख सकते हैं। पीछे के सीट्स कवर आप देख सकते हैं, इनके अंदर जो है फिक्स हेडरेस्ट है। फ्रंट में भी जो आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है, एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। एक बार जो मैं आपको पीछे एक बार सीट करके भी दिखाता हूँ, जिससे जो आपको बैठने के बाद पता लग जाएगी कितना कुछ स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। पीछे मैट आप देख सकते हैं जो कि फ्लोर मैट्स आगे भी हैं पीछे भी हैं। तो बैठने के बाद कुछ इतना कुछ आपके पास जो है स्पेस बचता है, क्योंकि मैंने फ्रंट जो सीट है वो मैंने पूरी पीछे कर रखी है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं थोड़ा कम स्पेस बचता है, पर जब मैं अगर सामने वाली सीट एडजस्ट करके बैठता हूँ तो स्पेस देख सकते हैं जो कि काफ़ी आपको मिल जाता है। अब जो बात कर लेते हैं हम इसके बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। बूट ओपन करने के लिए आपको जो है सेम हैंडल यहाँ मिल जाएगा बॉडी कलर्ड, हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट आपको जो है पार्सल ट्रे इसके अंदर मिल जाती है। ये इसका सीएनजी सिलेंडर तो 60 लीटर 12 केजी का आपको मिलता है। ये जो है इसका स्पेयर व्हील आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये कुछ इसके आप इक्विपमेंट देख सकते हैं यहाँ रखे हुए हैं। तो आप सोच रहे हैं सर जैक कहाँ मिलता है, तो जैक मैं एक बार आपको इसका शो कर देता हूँ कि जैक आपको इसका मिलता है। एक बार मैं आपको जो है दिखा भी देता हूँ। यहाँ जो आपको इसका मिल जाता है, अभी जो पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ना क्लियर होने के कारण आपको ढंग से दिख नहीं रहा हुआ, तो आपको यहाँ मिल जाता है इसका जैक। तो ये तो कुछ आपने देखा सिलेरियो VXI CNG का लिमिटेड एडिशन। मैं आपको जो एक बार इसके प्राइजेस भी दिखाता हूँ जो कि यहाँ इसके अंदर लिखे हुए हैं। देख सकते हैं इसके अंदर 75,145 की एसेसरीज लगाई गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। किसी और कार को डिटेल वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर ही बना दूँगा।